शर्मा जी, शिवराज सिंह जी चौहान और मेरी जोड़ी और केपी यादव जी की जोड़ी और महेंद्र सिंह सिसोदिया की जोड़ी, जो लोग आपके लिए समर्पित हैं, जनता के लिए समर्पित हैं। और एक ही प्रश्न मतदाताओं से आप करना, 15 महीने में जो लोग आज बमोरी का चक्कर लगा रहे हैं, कई अतिथि आ रहे हैं, पूर्व, अब तो क्षमा चाहते हुए अब तो पूर्व मंत्री बन गए हैं, जो पूर्व मंत्री आज चक्कर लगा रहे हैं बमोरी के, वो सारे पूर्व मंत्रियों ने क्या 15 महीने एक चक्कर लगाया था बमोरी के, एक बार चेहरा दिखाया था? महेंद्र सिंह जी के अलावा एक बार जनता के दुख और दर्द में शामिल हुए? मुख्यमंत्री क्या एक बार बमोरी आए? जो बीडी शर्मा जी ने अभी कहा, मुख्यमंत्री ने तो वल्लभ भवन के बाहर पैर नहीं रखा, जनता के साथ जनसंवाद नहीं, जन सुनवाई नहीं। और तो और छोड़ो, ये मंच पे बैठे हुए हैं आपके महेंद्र सिंह सिसोदिया मंत्री, जब ये जाते थे मिलने के लिए तो कहा जाता था चलो 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 चलो, दिन में 24 घंटे हैं, 26 नहीं, मुझे तो जाना है जाना है। ये मेरे बमोरी के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, गजेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री के साथ मिलने का आप लोगों को समय मिला? बताइए, क्या एक बार समय मिला? क्या मुख्यमंत्री ने आपकी बात सुनी? चाहे ओला हो, बाढ़ आया हो, कोई भी समस्या रही हो, सदैव चाहे शिवराज सिंह जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे केपी हो, चाहे महेंद्र सिंह जी हो, हम जनता के समक्ष रहे। तो ये जनता के समक्ष ये विषय हम लोगों को रखना होगा। और जो महेंद्र सिंह जी ने कहा, मैं दोहराना नहीं चाहता, आज बमोरी में जितना जितने तालाब बने हैं, जितने सड़क बने हैं, वो सारे के सारे सिंधिया परिवार के द्वारा बनाए गए, एक एक अधोसंरचना, एक एक कॉलेज, एक एक स्कूल। तो आज किस हक से छोटे भाई और बड़े भाई आ रहे हैं बमोरी में, और पूर्व मंत्री आ रहे हैं बमोरी में वोट मांगने के लिए कांग्रेस के? चेहरा तो नहीं दिखाना, वोट मांगने के लिए आना। भ्रष्टाचार का मुद्दा, जो प्रदेश को इन्होंने 15 महीनों में अपना कारोबार बनाया, नीलाम किया, वल्लभ भवन में उद्योगपति बैठता था, व्यापार इनके जो एजेंट हैं इनके दोनों, वो एजेंट बैठते थे, आम जनता नहीं आ सकता था वल्लभ भवन में, लेकिन एजेंट आ जाते थे और कॉन्ट्रैक्टर आ जाता था। भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, जैसे बीडी शर्मा जी ने कहा। और आप लोगों के जिलों में, चाहे गुना हो, चाहे अशोकनगर हो, चाहे शिवपुरी हो, चाहे दतिया हो, चाहे मुरैना हो, चाहे भिंड हो, चाहे धार हो, चाहे इंदौर हो, सारे के सारे माफिया उत्पन्न, रेत माफिया, खदान माफिया, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे, शराब माफिया, धार में एक व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और पैसे गिने जाते थे वल्लभ भवन के अंदर। तो आज अगर हमने कदम उठाया है, मैं तो ये कहूंगा कि मैं महेंद्र सिंह जी को साधुवाद देना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। कौन सा विधायक भारत के इतिहास में एक साल के अंदर अपनी विधायकी को त्याग करता है अन्याय के विरुद्ध धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए? ऐसे विधायक को और ऐसे मंत्री को मैं नमन करता हूं। देश में उदाहरण है जहां 22 विधायकों ने, 6 मंत्रियों ने, कैबिनेट मंत्रियों ने, साधारण तौर पे 4 साल जब निकल जाते हैं तो सब कहते हैं कि भैया अब तो चुनावी आ रहा है, अब त्याग पत्र दे दो विधायकी से, मंत्री पद से त्याग पत्र दे दो। 12 महीनों में कौन त्याग करता है?
केवल वो त्याग करता है जो न्याय और विकास और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की प्रतिमूर्ति होता है। और आज ऐसे 22 प्रतिमूर्तियों पर कौन काला पोत रहा है? ये बड़े भाई और छोटे भाई की जोड़ी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये संदेश हम लोगों को घर घर ले जाना है। और जो अन्याय इन्होंने किसान के साथ किया है, छल किया है ऋण माफी के मामले में, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था 15 दिन में अगर ऋण माफी नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री को बदल दूंगा। मैंने 15 दिन इंतजार किया, मैंने 15 महीने इंतजार किया, ऋण माफी तो नहीं हुई, लेकिन ये महेंद्र सिंह जी बैठे हैं, केपी यादव बैठे हैं, गजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, कितने प्रमाण पत्र वितरित किए गए कि ऋण माफ हो गया, और अभी भी खाते में, किसान के खाते में एक रुपया नहीं मिले। बैंक को कह दिया कि अपना ऋण जो है उसे पूर्ण अपने बैलेंस शीट में डालो बैड लोन के रूप में। और आज भी तक शिवराज सिंह जी मुझे कह रहे थे एक रुपया माफ नहीं हुआ। तो जो किसान के साथ छल करे, जो नौजवान के साथ छल करे, जो कहा था 4000 रुपया प्रति माह बेरोजगार भत्ता, मुझे बता दो अगर बामोरी के एक नौजवान को बेरोजगार भत्ता मिला है? जो महिलाओं के साथ छल कपट करे, 51,000 कन्यादान की योजना में राशि दी जाएगी, कौन सी महिला को मिला है बामोरी में? शादी हो गई, कई पति पत्नियों के बच्चे हो गए 15 महीनों में, पर आज तक कन्यादान की राशि नसीब नहीं हुई है। जो सरकार झूठ बोले अपने जनता के साथ, उस सरकार को बर्खास्त करना तो मेरा और हर जननायक का और हर विधायक का दायित्व और धर्म होगा। तो ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, और आप स्पष्ट रूप से जनता के समक्ष ये संदेश भेज दीजिए। जनता ही निर्माण करती है सरकार की। कैसी सरकार? किसको अपने 5 साल का भविष्य हमें थामना है? ये जोड़ी चाहिए छोटे भाई और बड़े भाई की, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की, या जोड़ी चाहिए शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा जी और मेरी? ये निर्णय जनता को करना है, कौन विश्वास लायक है और कौन विश्वास घाती है, कौन अपने वचन पर खड़े उतरता है और कौन वचन देके दुम हिलाकर भाग जाता है। चुनाव का मुद्दा ये है, कौन सरकार में बैठ रहा है आपकी सेवा करने के लिए और कौन सरकार में बैठना चाहता है ये बनाने के लिए। शिवराज सिंह जी ने 100 दिन में जो करके दिखाया है, चने के मामले में, सरसों के मामले में, मैंने कमल पटेल जी को चिट्ठी लिखी थी शिवराज सिंह जी, और उन्होंने स्वीकार किया मेरा निवेदन, समय की अवधि बढ़ा दी, एक एक किसान को 10,000 से 5,00,000 की वृद्धि हुई है अपनी आमदनी में, लोगों के खाते में प्रीमियम राशि पहुंचाएगी जो 2,200 करोड़ रुपए कमलनाथ जी उस पे बैठे हुए थे, संबल योजना शुरू की गई दोबारा जो कमलनाथ जी ने कैंसिल करवा के दिया था। तो कौन गरीब का हितैषी है और कौन अमीर की का पेशी है, ये विषय हमको जनता के समक्ष ले जाना है। समय हो रहा है, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के केवल नहीं, आप लोग जनता के स्तंभ हो। आपके सामने मैं नतमस्तक हूं, इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि जहां आपका पसीना टपकेगा वहां सिंधिया मेरी अगर खून की भी जरूरत होगी मैं देने के लिए तैयार हूं। तो आपको आप लोगों के हवाला किया, जो आदेश मेरा कार्यकर्ता मुझे देगा उस आदेश पर चलना मैं अपना धर्म मानूंगा। आपको और हमें संयुक्त रूप से यह लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई लड़ी जाती है ऊपर से नीचे नहीं,
लड़ाई लड़ी जाती है नीचे से ऊपर, हर पोलिंग बूथ पर। जो आप लोग सक्रिय रूप से इतने अच्छा काम करते हो, एक एक पोलिंग टीम बूथ टीम से मैं सिखाऊं, जो बीजेपी का सिस्टम होता है, संघ का सिस्टम होता है कि मतदाता सूची लिया जाता है, कार्य विभाजन किया जाता है, पन्ना प्रभारी बनाया जाता है, उस पर अब समय व्यर्थ नहीं करना है। 60 दिन है हमारे पास, एक एक दिन सोने की तरह कीमती है। हमें जनता के समक्ष जाना है, कार्य का विभाजन करना है और जनता को अपनी भावना से एक नई तीव्रता देनी है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पन्ना प्रभारी बने, चौपाल पर चर्चा हो इसी विषय पर, मुद्दा बनेगा ऊपर से शिवराज सिंह जी के भाषण से नहीं, बीडी शर्मा जी के भाषण से नहीं, मेरे भाषण से नहीं, केपी यादव के भाषण से नहीं, महेंद्र सिंह सिसोदिया के भाषण से नहीं। मुद्दा बनेगा जब आप लोगों के चौपालों की चर्चा ऊपर तक आएगी, तब माहौल बनेगा। हम लोगों का योगदान तो है 5%, आप लोगों का योगदान है 95%। तो आप उठो और पूरी तरह से कार्य पे लगो, सोशल मीडिया और आईटी का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये चुनाव बड़ी बड़ी रैलियों के आधार पर नहीं होगी, ये चुनाव इसके आधार पर होगी। अभी से हमें एक्टिव होना होगा। अगर उन्होंने एक चीज सोशल मीडिया पर डाला तो टूट पड़ो और उनकी असलियत जनता के समक्ष रखो। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरे सारे योद्धाओं को मेरा सलाम और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमंत जी। अब इस रैली के समापन के अवसर पर अभा प्रदर्शन के लिए मैं